दोस्तों, ये दुनिया अनोखे फन से भरी हुई है और इस अनोखी दुनिया में आप हम सब रहते हैं और इस दुनिया के अनोखेपन को ही तो हम आपके पास लाते हैं। दोस्तों सोचिए, हम खेतों पर फसलों को उगते हुए देखते हैं, लेकिन ये फसल अगर खेतों पर न उगकर दीवारों पर उगने लगे तो कैसा रहेगा। दोस्तों दुनिया भर में जगह जगह पर फसलों की पैदावार करने के लिए जमीन पर खेती की जाती है, मगर दुनिया में एक जगह ऐसा है जहाँ पर जमीन पर नहीं बल्कि दीवार पर खेती होती है। दोस्तों ये बात सुनकर आपको बेहद हैरानी हो रही होगी, मगर यह सच है। दोस्तों इन्हें वर्टिकल फार्मिंग यानी दीवार पर खेती करना कहते हैं, जो धीरे धीरे लोगों द्वारा बेहद लोकप्रिय हो रही है। दोस्तों यहाँ धान गेहूं के साथ साथ सब्जियां भी दीवारों पर उगाई जाती है। यह तकनीक अब धीरे धीरे दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। इस तकनीक को वर्टिकल फार्मिंग यानी दीवार पर खेती करना कहा जाता है। वर्टिकल फार्मिंग यानी दीवार पर खेती करने वाले देश का नाम इजराइल है। दरअसल इजराइल और अन्य देशों में खेती लायक जमीन की काफी कमी है और इसी समस्या निजात पाने के लिए वहां के लोगों ने वर्टिकल फार्मिंग को अपना लिया है। दोस्तों वर्टिकल फार्मिंग के तहत पौधों को गमलों में छोटे छोटे यूनिट्स में लगाया जाता है और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि पौधे गमलों से गिरे ना। इन गमलों में सिंचाई के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाते हैं। हालांकि अनाज उगाने के लिए यूनिट्स को कुछ समय के लिए दीवार से निकाल लिया जाता है और फिर बाद में उन्हें वापस दीवार में लगा दिया जाता है। इसराइल के अलावा वर्टिकल फार्मिंग यानी दीवार पर खेती की तकनीक अमेरिका, यूरोप और चीन में भी तेजी से फैल रही है। दोस्तों ऐसी खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दीवार पर पौधे होने से घर के तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती है और यह आसपास के वातावरण में भी नमी बढ़ा कर रखता है। इसके अलावा इससे ध्वनि प्रदूषण का असर भी कम होता है। दोस्तों हो सके तो बहुत जल्द इंडिया में भी वर्टिकल फार्मिंग देखने को मिले। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं, हमारे देश में वर्टिकल फार्मिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो हवाई जहाज में खाना दिया जाता है उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? तो आइए जानते हैं हवाई जहाज की ऐसी रोचक तथ्यों के बारे में। तो पूरी दुनिया में हर रोज 2 लाख हवाई जहाज उड़ाने भरती हैं, जिनमें से अभी तक केवल 5% जनसंख्या ही हवाई जहाज में बैठ पाई है। तकनीक की इस दुनिया में जहाज खुद को उड़ाने में सक्षम होता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कंट्रोल रूम में पायलट होना जरूरी है। दोस्तों हवाई जहाज में काम करने वाले पायलट समेत सभी लोगों को इंग्लिश आनी जरूरी है, क्योंकि यह फ्लाइट इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दोस्तों हवाई जहाज उड़ाने वाले कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर एक तरह का खाना नहीं खाते, ऐसा इसलिए यदि एक की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा प्लेन संभाल सके। हवाई जहाज में यात्रा करते समय इमरजेंसी के समय जो ऑक्सीजन मास्क आपको दिए जाते हैं, उनके सहारे आप सिर्फ 15 मिनट जिंदा रह सकते हैं। और दोस्तों हवाई जहाजों का खाना कुत्तों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने से हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है, इसलिए हवाई जहाज में मिलने वाले खाने में नमक भी ज्यादा डाला जाता है ताकि हमको थोड़ा स्वाद मिल सके। हवाई जहाज में यात्रा करते समय हमें बहुत से चीजें ले जाने के लिए मना किया जाता है, जिनमें से एक मर्क्यूरी मतलब पारा भी सख्त मना होता है, क्योंकि जहाज एल्यूमिनियम का बना होता है और पारा एल्यूमिनियम को नष्ट कर देता है। दोस्तों इनमें से एक तथ्य यह भी है कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय लोग ज्यादा गैस छोड़ते हैं, इसीलिए जहाजों में बदबू कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है।